भाजपा आलाकमान मध्य प्रदेश के हालिया जिम्मेदार नेताओं से भले ही अधिक खुश ना हो, लेकिन लगता है साहब सीएम मोहन बाबू ने मोशा के दिल में जगह एकदम सेट कर ली है। धड़ाधड़ फैसले, ताबड़तोड़ जमीनी दौरे, सभाएं और विरासत से विकास तक की कार्यशैली को मजबूत करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर यादवों का एक सशक्त चेहरा बनकर अपने पक्ष को बेहद मजबूत जो कर लिया है। आंकड़े कहते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान तूफानी 142 जनसभाएं, 55 रोड शो करके अपनी सक्रियता से मोहन यादव ने सभी को चौंका दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सीएम मोहन बाबू अब तक उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ सहित 7 राज्यों में 15 से अधिक चुनावी सभा और रोड शो कर चुके हैं। खासकर यादव वोट बैंक के चलते यूपी में तो मोहन बाबू का जादू चला ही चला, बिहार में भी जमकर मांग रही। बचे हुए चरणों के लिए भी मोहन बाबू की डिमांड कम ना हो सकी है। अच्छा, सीएम सिर्फ अपने चुनावी कार्यक्रमों में ही व्यस्त नहीं है बल्कि सरकारी कार्यों में भी फोकस है। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ सिंहस्थ सहित अन्य तय एजेंडों को भी अंजाम देने के लिए जिम्मेदारी से जुटे हैं। यही एक वजह रही कि पीएम मोदी कई बार सार्वजनिक मंचों से मोहन यादव की खुलकर तारीफ भी कर चुके हैं। अच्छा, माना जाता था ना कि शिवराज द्वारा खींची गई लकीर को पाट पाना अन्य सहयोगी नेता के लिए इतना आसान ना होगा, लेकिन मोहन ने शिव सहित सभी नेताओं को साधते हुए हर उठते सवालों का ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि शांति से अपने आप को साबित भी किया है। आप देखते रहिए न्यूज़ पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।